हेलो दोस्तों, होमवर्क कोचिंग में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमने कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया था कल, थर्मोडायनामिक्स। तो हमने क्या क्या देखा था थर्मोडायनामिक्स के बारे में? हमने थर्मोडायनामिक्स का बेसिक देखा था, थर्मोडायनामिक्स के शब्द का मतलब देखा था, और थर्मोडायनामिक्स में HMT में क्या डिफरेंस है वो देखा था, टेम्परेचर के बारे में देखा, टेम्परेचर की बहुत सारी यूनिट्स देखी, केल्विन देखा, डिग्री सेल्सियस देखा, फॉरेन हीट देखा। क्लियर है? फिर हमने क्या देखा, थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन देखा। थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी कि थर्मोडायनेमिक्स ऐसी ब्रांच है साइंस की जो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन होने को डील करती है, ठीक है, वो भी किसी एफिशिएंट मैनर में। इतना हमने कल देखा था। अब हम आज आएंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, और थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए हमें जो सबसे पहली चीज चाहिए वो चाहिए सिस्टम। क्या चाहिए? सिस्टम। तो आइए सिस्टम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं और प्यार से समझते हैं कि सिस्टम क्या होता है। क्लियर है? तो सबसे पहली हेडलाइन डालिए आप सिस्टम, बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइन डालिए जिसका नाम होगा सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं निकाय। क्या बोलते हैं? निकाय। चलिए अब देख लेते हैं हमारा सिस्टम क्या है। सिस्टम मतलब जैसे अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ रहे हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये आप सोच रहे हो, आपको ये पता लगाना है कि मेरे पास यार एक बाइक है और वो बाइक कितना एवरेज दे रही है, तो आपका इंटरेस्ट किसमें है? बाइक में। तो बाइक क्या है? आपका सिस्टम। पहले समझिए, पहले मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, फिर हम डेफिनेशन में चलेंगे। डेफिनेशन का मतलब क्या है? डेफिनेशन तो दूसरों की लिखी चीजें हैं, पहले आप चीजों को दिमाग में फिट करिए। क्लियर है? अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कंसर्न ये है, मेरी चिंता ये है, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे घर में एक एसी लगी है और मुझे ये देखना है कि एसी की कूलिंग कितनी हो रही है, एसी 16 पे है, 17 पे है, 18 पे है, या एसी का टेम्परेचर क्या है। तो मैं किसके बारे में स्टडी करना चाहता हूं? एसी के बारे में। तो एसी क्या है? मेरा सिस्टम। मतलब अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो सिस्टम दुनिया की हर वो चीज है जिसपे आपका दिल आ जाए, जिसपे आपका दिल आ जाए वो सिस्टम है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट दिस पर्टिकुलर मार्कर, अगर आपको इस मार्कर की स्टडी करनी है कि ये मार्कर व्हाइट है, यहां से ब्लैक है, मतलब इस मार्कर की अगर आपको कुंडली निकालनी है, इस मार्कर की अगर आपको स्टडी करनी है, तो सिर्फ ये मार्कर ही आपका सिस्टम है, सिर्फ ये मार्कर ही आपका सिस्टम है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया में हर वो चीज जिसके बारे में आप स्टडी करना चाहते हो उसे हम बोलते हैं सिस्टम, हमारा सिस्टम। क्लियर है? एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम चीजों को और एक्सप्लेन आगे करेंगे, और फिर हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स के एक अच्छे लेवल तक। अभी पहले आप बेसिक चीजों को समझिए, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, बाउंड्री क्या होता है, पहले इसे समझेंगे। जब इसे समझ लेंगे तब हम आएंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। क्लियर है? चलिए तो सिस्टम की जो डेफिनेशन है, सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, सिस्टम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पहले ये समझिए। देखिए दो तीन डेफिनेशन मैं लिखूं सिस्टम की, आप प्यारे प्यारे नोट्स बनाइए और बहुत प्यार से इसको नोट करिए, ठीक है। चलिए अब हम सिस्टम की डेफिनेशन देखते हैं कि सिस्टम क्या है। तो सिस्टम को हम डिफाइन करते हैं, अ सिस्टम इज डिफाइंड एज, अ सिस्टम इज defined as, a system is defined as, clear दिख रहा है ना आप लोगों को, a system is defined as any region, कोई particular space, कोई particular क्षेत्र, quantity of matter, any particular region, quantity of matter, द्रव्य की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, which is under consideration। किसी सिस्टम को हम डिफाइन कैसे करते हैं? सिस्टम किसी पदार्थ की वह मात्रा है या कोई पर्टिकुलर रीजन है जिसपे हम स्टडी करना चाहते हैं या जिसपे हमारी स्टडी फोकस्ड है। अब मैं आपको बताता हूं एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टडी करनी है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, किसी पर्टिकुलर मैकेनिकल किसी सब्जेक्ट के बारे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये देखना है
कि मैं थर्मोडायनेमिक्स को कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ या एग्जाम में मेरे थर्मोडायनेमिक्स में कितने नंबर आएंगे अगर मैं अच्छे से स्टडी करूँ। तो जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, ये आपका सिस्टम है, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये देख रहे हो कि जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूँ, मेरे क्लास में 50 बच्चे हैं, क्लियर है, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये बच्चा जो आगे बैठा हुआ है, ये छोटू वाला बच्चा, ये पढ़ने में कैसा है। अगर मैं सिर्फ इस छोटू वाले बच्चे पे फोकस करता हूँ भैया, तो सिर्फ ये छोटू वाला बच्चा मेरा सिस्टम है, बाकी दुनिया जहां से बाकी क्लास से मुझे कोई मतलब नहीं, क्लियर है। तो पहले इस दिमाग में अपने एक बात को बैठा लीजिए प्रॉपर कि सिस्टम मतलब सिर्फ वो चीज जिसके बारे में हमारा इंटरेस्ट है, जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, वो है हमारा सिस्टम। आई थिंक ये चीजें हमको क्लियर हुई होंगी। जैसे बाइक के इंजन के बारे में अगर आप स्टडी करना चाहते हैं कि बाइक का इंजन है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, बाइक के इंजन है कितना गर्म हो रहा है, कितना ठंडा हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर इंजन ही आपका सिस्टम है, बाकी दुनिया जहां की बाइक के फ्रेम से, क्लच से, गियर से आपको कोई मतलब नहीं है। तो आई होप आपको सिस्टम की डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो सिस्टम हर वो चीज है जिसपे हमारी स्टडी फोकस होती है, या इसको आप लिख सकते हो अ सिस्टम इज एनीथिंग। देखिए डेफिनेशन का तो कुछ नहीं भैया, डेफिनेशन तो आप हजारों बना सकते हो, ठीक है। अ सिस्टम इज एनीथिंग, अ सिस्टम इज एनीथिंग ऑन विच आवर स्टडी इज फोकस्ड। अच्छा, ये वो डेफिनेशन है जो हम शुरू से पढ़ते हैं, जब भी आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की किताब खोली होगी आपने यही डेफिनेशन देखी होगी, क्लियर है। तो सिस्टम के बारे में आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सिस्टम मतलब हर वो चीज जिसपे हमारी स्टडी फोकस है। अगर आप एक बार चाहें तो सिस्टम की डेफिनेशन को आप प्रॉपरली नोट कर सकते हैं। सिस्टम इज डिफाइंड एज एनी रीजन और क्वांटिटी ऑफ मैटर विच इज अंडर कंसिडरेशन। तो आप एक बार डेफिनेशन को प्रॉपरली नोट कर लीजिए, क्लियर है। या सिस्टम को आप दूसरी भाषा में डिफाइन कर सकते हैं, अ सिस्टम इज एनीथिंग ऑन विच आवर स्टडी इज फोकस्ड। आर वी क्लियर? ओके, रैप कर दूं? चलिए बोलिए राधे राधे, बोलिए राधे राधे। बिना राधे मां का नाम लिए काम नहीं होगा जिंदगी में, ठीक है। तो सिस्टम हमारा ये हो गया। अभी हम ये भी देखेंगे कि हमारे सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, कितने सिस्टम हमारे कितने प्रकार के होते हैं। क्लोज सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, अभी हम ये सब प्रॉपरली देखेंगे, क्लियर। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जिसका नाम है सराउंडिंग। अभी हमने सिस्टम पढ़ा, अब हमको पढ़ना है सराउंडिंग। तो दूसरी डेफिनेशन आप डालिए, सराउंडिंग हमारा परिवेश या पर्यावरण, सराउंडिंग, क्लियर। अब देखिए सिस्टम का मतलब, जैसे मेरे क्लास में 50 बच्चे हैं, मेरा फोकस सिर्फ एक बच्चे पे है, एक बच्चा क्लास में बहुत कमजोर है, तो मुझे मेरा ध्यान सिर्फ उस बच्चे पे है कि भैया ये बच्चा कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, तो सिर्फ वही बच्चा मेरा सिस्टम है, बाकी 49 से मुझे कोई मतलब नहीं, वो मेरे लिए क्या है, सराउंडिंग, वो मेरे लिए क्या है, सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सिस्टम हो, आप मान लीजिए कोई सिस्टम है और आपकी कोई सराउंडिंग है, आपकी कोई सराउंडिंग। अब सिस्टम का मतलब क्या है, सिस्टम आप हैं, आपको छोड़ के भी इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, इस पूरे यूनिवर्स में असंख्य चीजें हैं, अनगिनत चीजें हैं, इनफाइनाइट चीजें हैं। अगर आपने अपना एक सिस्टम चुन लिया, आपकी एक मैडम आ गई, आपकी गर्लफ्रेंड आ गई, वो आपकी सिस्टम है, तो उसको छोड़ के बाकी दुनिया जहां की सारी चीजें आपके लिए क्या है, सराउंडिंग। तो हम सराउंडिंग को कैसे डिफाइन करते हैं, हर वो चीज जो सिस्टम को छोड़ के बची है, हर वो चीज क्या है, सराउंडिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, आपको मैं प्यारे से एग्जाम्पल समझाता हूं। मान लीजिए ये पूरी दुनिया है, दिस इज ग्लोब, ये पूरा अर्थ है। इस पूरे अर्थ में इनफाइनाइट चीजें होंगी, कुर्सी है, टेबल है, सब कुछ, पानी है, पेड़ है, इंसान है, मनुष्य है, राधे माँ है, बाबा आसाराम बापू है, सब है। तो मान लीजिए सब लोग यहाँ यहाँ पे हैं, ये पूरा यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है, पूरा कॉस्मोस है। इसमें मान लीजिए एक सिस्टम है, ये ऐसा इंसान है जिसपे आपका दिल आ गया, आपने इसको चुन लिया कि ये एक सिस्टम है। अब अगर आपने इसको चुन लिया, आप सिर्फ इसकी स्टडी करना चाहते हो, इसके बारे में ही आपका फोकस है, आपका पूरा दिल सिर्फ इसी के ऊपर है, इसको छोड़ के
ये बाकी जो दुनिया जहान की चीजें हैं ना, ये सब क्या है? आपकी सराउंडिंग, आपकी सराउंडिंग। तो सराउंडिंग को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हर वो चीज जो सिस्टम के बाहर है, हर वो चीज जो सिस्टम के बाहर है वही तो सराउंडिंग है ना, वही तो सराउंडिंग है जो सिस्टम के बाहर है, वो सराउंडिंग है। तो अगर आपसे कोई पूछे, अच्छा अगर मैं सराउंडिंग में सिस्टम को जोड़ लूं तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे क्या हो जाएगा बे, यूनिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिवर्स हो जाएगा। क्यों भैया? यूनिवर्स में मान लीजिए 50,000 चीजें हैं, इसमें से हमने एक चीज चुन लिया, ये हमारा सिस्टम हो गया। जो बाकी बची 49,999 वो मेरे क्या हो गए? सराउंडिंग। ठीक, तो अगर हम सराउंडिंग और सिस्टम दोनों को मिला लें तो किसके अंदर बैठे हैं? यूनिवर्स के अंदर तो बैठे हैं। क्लियर? तो सिस्टम, फिर से सुनिए, सिस्टम मतलब एक पर्टिकुलर चीज जिसपे आपको स्टडी करनी है, जिसपे आपको फोकस करना है। सराउंडिंग का मतलब सिस्टम को छोड़ के बाकी पूरी दुनिया में जितनी चीजें बची हैं वो आपकी सराउंडिंग है। ठीक, तो सराउंडिंग के डेफिनेशन अगर हम लिखे हैं तो सराउंडिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे? आप डेफिनेशन लिख सकते हैं सराउंडिंग की, ध्यान से समझिएगा। इट इज डिफाइंड एज, सराउंडिंग इज डिफाइंड एज एनीथिंग, कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी ले लो एनीथिंग विच इज, एनीथिंग विच इज एक्सटर्नल, विच इज एक्सटर्नल टू द सिस्टम, विच इज एक्सटर्नल टू द सिस्टम और आउट ऑफ द सिस्टम, और आउट ऑफ द सिस्टम। तो सराउंडिंग हर वो चीज है जो सिस्टम के बाहर। क्लियर? अब यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स का मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ लिया, यूनिवर्स बन गया। यूनिवर्स क्या है? ब्रह्मांड क्या है? यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स मतलब सिस्टम धन सराउंडिंग, मैं और मेरी सराउंडिंग मिलकर क्या बनते हैं? यूनिवर्स। सिंपल सी चीज देखो, जैसे हम बोलते हैं ना कि यूनिवर्स यार बहुत बड़ा है, तो यूनिवर्स में कौन कौन है भैया? अगर मैं अपने आप को खुद को देखता हूं तो मैं अगर मान लीजिए अपने आप को सिस्टम मान लेता हूं तो मेरे अलावा जितने लोग हैं उन सबको मिला के तो यूनिवर्स बना है। सिंपल सी चीज है। तो यूनिवर्स का मतलब क्या है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि यूनिवर्स इंक्लूड्स सिस्टम ओनली, सराउंडिंग ओनली, नीदर सिस्टम नॉर सराउंडिंग, बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्या लगाओगे? बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो देखिए यूनिवर्स क्या है? ये सिस्टम है, ये पूरी सराउंडिंग, इनको इनको जोड़ लो, क्या बन गया? यूनिवर्स। सो यूनिवर्स इज डिफाइंड एज, यूनिवर्स की डेफिनेशन मत लिखिए, देखिए यूनिवर्स इज डिफाइंड एज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, दोनों मिला के क्या बन गया? यूनिवर्स। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए। अब देखिए हमने क्या देख लिया? सिस्टम देख लिया, सराउंडिंग देख लिया और यूनिवर्स देख लिया। अब आते हैं सबसे खतरनाक चीज के बारे में, अब आते हैं सबसे खतरनाक चीज के बारे में जिसका नाम है बाउंड्री। क्या नाम है? बाउंड्री। सबसे खतरनाक चीज के बारे में आते हैं जिसका नाम है बाउंड्रीज। अब ध्यान से समझिए और प्रॉपरली हेडलाइन डालिए कि बाउंड्रीज क्या होती है। व्हाट आर बाउंड्री, व्हाट आर बाउंड्रीज या व्हाट इज बाउंड्री। क्लियर है? अब समझिए, पहले आप समझिए फिर लिखिए, समझिए दिमाग में फिट करिए फिर नोट में उसको लिखिए। ठीक है, एक स्ट्रेटेजी बनाइए, प्रॉपरली नोट को फॉलो करिए, रेगुलर स्टडी करिए, डेली क्वेश्चन लगाइए। एसएससी जेई या कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने की एक पर्टिकुलर स्टडी होनी चाहिए, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइए। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन के सेट कराऊंगा, हर टॉपिक के बाद मैं आपको क्वेश्चन के सेट कराऊंगा और मैं क्वेश्चन का सेट सॉल्व भी कराऊंगा। पहले आप अपने आप ट्राई करिएगा, अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर। क्लियर? तो पहले नोट्स बनाइए, उसको प्रॉपरली पढ़िए, जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइए, 10-20-50 जो भी मिल जाए, 5-10 जो भी मिल जाए, जिस भी बुक से मिल जाए, नोट से मिल जाए, लेक्चर से मिल जाए, वर्कबुक से मिल जाए, कोचिंग स्टडी मटेरियल से मिल जाए, वो सारे क्वेश्चन आप पहले सॉल्व करिए।
तब आप देखिए आपका कॉन्फिडेंस कहाँ पहुंचता है, आपका कॉन्फिडेंस आसाराम बापू से भी तेज हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिए। अब देखिए बाउंड्री क्या होती है, समझिए कि ये आप है, मान लीजिए ये तुम, ये तुम हो मान लो सिस्टम, तुम हो मान लो सिस्टम, क्लियर। ये कौन है? तुम्हारी सराउंडिंग। कौन है? तुम्हारी सराउंडिंग। ये तुम हो और ये तुम्हारा जोड़ा है। क्या है ये? तुम्हारा जोड़ा, कपल। तुम भैया सिस्टम हो, तो मैंने क्या बोला, सिस्टम को छोड़ के दुनिया जहां की जितनी भी चीजें हैं वो क्या है? सराउंडिंग। तो तुम हो गए सिस्टम और मैडम हो गई सराउंडिंग, मैडम हो गई सराउंडिंग, क्लियर। अब सिस्टम की चाहत है, सिस्टम की दिली तमन्ना है, दिली ख्वाहिश है कि सराउंडिंग से जाकर मिले। इस समय तो नहीं मिल पाओगे, इस समय तो लॉकडाउन है, इस समय तो कोशिश भी कर रहे हो, इच्छाएं चाहे कितनी जागरूक हो जाए जा पाओगे नहीं, ठीक है। तो सिस्टम की चाहत यह है कि मैं सराउंडिंग से जाके मिलूं, मैं सराउंडिंग से जाके मिलूं। एक बात ध्यान रखिएगा, दुनिया में जितनी भी एनर्जी के एक्सचेंज होते हैं वो हमेशा हमेशा वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाइक, बाइक मान लीजिए आपका सिस्टम है, तो बाइक जो धुआं रिलीज करेगी वो कहां करेगी? सराउंडिंग में। बल्ब है, बल्ब अपनी रोशनी किसको देगा? कमरे को। आप बोलोगे आपके मुंह से साउंड निकलेगा, कहां जाएगा? एटमॉस्फेयर में। तो जितना भी एनर्जी का एक्सचेंज होता है वो हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ही होता है। अनदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एनर्जी इंटरैक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। चलिए, तो सिस्टम की दिली तमन्ना है, दिली ख्वाहिश है, सिस्टम की चाहत है कि जाए और सराउंडिंग से मिले, कहीं जाए पिज्जा वज्जा खा के आ जाए, ठीक है। इतना आसान है क्या? ऐसे लोग मिल लोगे क्या? नहीं ना, कुछ बाउंड्री होती है। कौन है बाउंड्री? बाउंड्री कौन है? पापा। कौन बाउंड्री है? पापा। जब सिस्टम की चाहत होगी मैं सराउंडिंग से मिलूं, तो बीच में कौन खड़ा है? बाउंड्री, पापा, है ना। चाहते हो लव मैरिज कर लो, इतना आसान है। बीच में कौन खड़ा है? बाउंड्री। तो बाउंड्री डिफाइन कैसे करोगे? हर वो चीज जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर दे, बाउंड्री। हर वो चीज जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर दे, बाउंड्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, ये मान लीजिए पानी की बोतल है, फॉर एग्जाम्पल अज्यूम कि ये पानी की बोतल है और इस बॉटल के अंदर पानी भरा हुआ है, और आपको ये देखना है कि पानी जो है वो कितना ठंडा है। तो आपका प्राइम फोकस किस पे है? आप किसके बारे में स्टडी करना चाहते हो भैया? पानी के बारे में। तो पानी आपका क्या हो गया? सिस्टम। बाकी सब क्या हो गया? सराउंडिंग। रूम को पानी से सेपरेट कौन कर रहा है? बॉटल का कवर। तो बॉटल का कवर क्या हो गया? आपकी बाउंड्री। अब एक चीज देखिए, पहले बाउंड्री के बारे में ध्यान से समझिए। बाउंड्री हर वो चीज होती है जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर लेती है। हर वो चीज जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर ले उसे क्या बोलते हैं? बाउंड्री, ठीक है। तो बॉटल के अंदर जो पानी है वो आपका सिस्टम है, रूम जो है वो आपकी सराउंडिंग है, और जो आपके बॉटल का कवर है, बॉटल है, बॉटल का ढांचा है, दैट इज बाउंड्री। क्यों? क्योंकि पानी तो चाहता है कि रूम में गिर जाऊं, मैं सराउंडिंग से जाके मिल जाऊं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो बीच में खड़ी हो गई। अमरीश पुरी बन गए डीडीएलजे वाले कि मिलने नहीं देंगे, है ना। तो पानी का जो बॉटल है वो पानी को रोक रहा है बाहर जाने से। सो बॉटल इज व्हाट? बाउंड्री। क्लियर? आर वी क्लियर अबाउट बाउंड्री? इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं है, मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, समझिए। बाउंड्री की डेफिनेशन तो एक लाइन की है कि हर वो चीज जो सिस्टम को सराउंडिंग से जुदा कर दे वो है बाउंड्री, ठीक है। तो एनीथिंग विच सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री। अगर आप चाहें तो नोट कर लीजिए, एनीथिंग विच सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। बाउंड्री इज एनीथिंग विच सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। अब कई लोगों का प्रश्न आ सकता है, कई लड़के होते हैं जो आराम से सराउंडिंग से मिल सकते हैं, जिनके घर पे कोई रोक टोक नहीं है। कई लड़के ऐसे होते हैं कि पापा बड़े खतरनाक होते हैं,
है ना, अमरीश पुरी टाइप, बड़े खतरनाक होते हैं। तो कई लड़के ये बोल सकते हैं कि सर मेरे घर में तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पापा तो कोई बाउंड्री नहीं बने, मुझे पापा बिल्कुल छूट दे रखे हैं, जाओ सराउंडिंग से मिलो, लव मैरिज करो, चाहे भाग जाओ, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो कई लड़के ये बोलते हैं कि सर मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं, कई लड़के ऐसे बोलते हैं कि सर मेरे पापा तो बड़े खतरनाक है, मेरे पापा तो बाहर जाऊं तो पैर तोड़ डाले, है ना। तो क्या होगा, बाउंड्री भी ना कई टाइप की होती है, जैसे पापा के टाइप होते हैं ना, बाउंड्री भी कई टाइप की होती है। पहला टाइप है बाउंड्री का, ध्यान से समझिए, बहुत ब्यूटी है सब्जेक्ट में, बहुत सुंदरता है, बहुत क्लैरिटी है, जरा ध्यान से समझिए। आपको समझाता हूँ बाउंड्री के बारे में, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना कि मेरे पापा कड़क हैं, मेरे पापा बहुत सॉफ्ट हैं, मम्मी मेरी बहुत कड़क हैं, मम्मी मेरी बहुत सॉफ्ट हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ बाउंड्री, बाउंड्री, ये बाउंड्री के टाइप्स देखिए, टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज, टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। पहला टाइप, जो पहला टाइप है, कुछ बाउंड्री होती हैं जो रिजिड होती हैं, रिजिड बाउंड्री मतलब खतरनाक टाइप की, रिजिड बाउंड्री। कुछ पापा ऐसे होते हैं जो बड़े खतरनाक होते हैं, देख लिया कि घर में फोन पे बात कर रहे हो, बस है ना, फोन छीने उठा के फेंक दिया। तो कुछ बाउंड्री होती है रिजिड, और कुछ बाउंड्री होती है फ्लेक्सिबल, मम्मी टाइप की, कुछ बाउंड्री होती है फ्लेक्सिबल, कुछ बाउंड्री होती है रिजिड। अब आपको समझाता हूं कैसे, ध्यान से समझिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं, हमारे पास मान लीजिए एक अरेंजमेंट है सिलेंडर और पिस्टन का, ये बाइक का सिलेंडर है, जो आप इंजन देखते हैं बाइक का, ये बाइक का सिलेंडर है, और इसके अंदर मान लीजिए पिस्टन लगा हुआ है, ये आपका पिस्टन है, और ये कनेक्टिंग रॉड लगी है, ये क्रैंक लगा है, ये क्रैंक, ये कनेक्टिंग रॉड, ये पिस्टन, ये सिलेंडर। देखिए मैं एक बार नाम लिख देता हूँ सबका ताकि आपको क्लियर हो जाए, ये सिलेंडर, दिस इज कॉल्ड पिस्टन, दिस इज कॉल्ड कनेक्टिंग रॉड, दिस इज कॉल्ड क्रैंक, एंड दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग। का नाम क्या है भाई, आप लोग सब जानते हो स्प्रिंग का नाम क्या है, स्प्रिंग को बोलते हैं पिस्टन पिन, पिस्टन पिन। ये सब आपके बाइक में प्रॉपरली अरेंज होता है। इसका एक नाम और है जो बहुत फेमस है, इसका नाम बोलते हैं हम क्या, गजन पिन। क्या बोलते हैं, गजन पिन। अच्छा बताइए, ये जो डायग्राम हमने बनाया है, ये डायग्राम आपने कभी देखा है, बिल्कुल आपने देखा होगा, आप सब लोगों ने बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है, ये डायग्राम तो आप सबने देखा ही होगा। ये आईसी इंजन का डायग्राम है, इंटरनल कंबस्शन इंजन का, ये सब आपने प्रॉपरली देखा ही होगा। अब एक चीज देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये हमारा सिलेंडर, ये हमारा बाइक का सिलेंडर है, तो सिलेंडर प्लास्टिक से बना नहीं है, किसी मेटल से बना होगा, है ना, सिलेंडर किसी मेटल से बना होगा, पिस्टन किसी मेटल से बना होगा। मान लीजिए ये दीवार है, दीवार है, ये दीवार किसी चीज की बनी है, ब्रिक से बनी है, सीमेंट से बनी है, सैंड से बनी है। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम दीवार में हाथ मारोगे दीवार टूट जाएगी, है ना, या बाइक का पिस्टन है, बाइक का पिस्टन तुम लेके खली की तरह हाथ में यूं मोड़ दोगे, ऐसा तो कर नहीं पाओगे। कि सिलेंडर, गैस का सिलेंडर रखा है, एलपीजी का सिलेंडर, उसको पैर से मारा, सिलेंडर टूट गया, ऐसा तो कर नहीं पाओगे। तो रिजिड बाउंड्री का मतलब वो बाउंड्री जिसपे तुम अपनी पूरी ताकत लगा लो, पूरा जोर लगा लो, पूरा जोर लगा लो, वो बाउंड्री कितना भी पावर लगा लो, कितना भी फोर्स लगा लो, वो बाउंड्री बिल्कुल भी हिलेगी नहीं, ठीक है। तो रिजिड बाउंड्री का मतलब क्या है, आप ध्यान से समझिए, मैं आपको समझाता हूं। पहले रिजिड बाउंड्री, हम पहले बाउंड्री के बारे में हमने पढ़ा, अब हम बाउंड्री के टाइप्स पढ़ेंगे, और टाइप्स में बिल्कुल डिटेल जाएंगे। ऐसा नहीं कि रिजिड बाउंड्री मतलब हाँ टफ बाउंड्री, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जो भी चीज आप पढ़िए उसको बिल्कुल दिमाग में फिट करिए, अगर यहाँ फिट हो गया ना तो पूरी जिंदगी रहेगा, अदरवाइज नोट्स में तो आप प्रॉपरली नोट करते ही रहोगे, वो तो जिंदगी भर आपके नोट्स आपके शेल्फ में पड़े रहेंगे, ठीक है। देखिए रिजिड बाउंड्री का मतलब क्या होता है, रिजिड बाउंड्री का मतलब एक ऐसी बाउंड्री, एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी बाउंड्री जिसपे, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक पिलर है, कोई मेटल का पिलर है, खंबा है कोई मेटल का। अब इस खंबे पे कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट, कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट होंगे,
इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। अब आप यहां पे खड़े हो, आप यहां पे खड़े हो, आपके अंदर बहुत ताकत आ गई, बहुत ताकत आ गई। आपने क्या किया, इस खंभे को लात मारा या हाथ से धकेला, और जैसे ही आपने इस खंभे को धकेला हाथ से, कुछ इसका बिगाड़ पाओगे क्या? नहीं, खंभा जमीन में है, गड़ा हुआ है, मिट्टी का खंभा है, बहुत लंबा चौड़ा खंभा है, इसका कुछ बिगाड़ पाओगे नहीं। चाहे कितनी ताकत लगा लो, सर फोड़ लो, है ना, खूब ताकत लगा लो, खूब ताकत लगा लो, क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। इसकी जो पॉइंट्स है ना, ध्यान से समझिए, टेक्निकल पॉइंट, इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है इसकी बाउंड्री पे, इनफाइनाइट पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट। ये पॉइंट यहाँ है और ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ है। आप चाहे यहाँ पे ताकत लगा लो, चाहे यहाँ पे ताकत लगा लो, चाहे यहाँ पे ताकत लगा लो, किसी पॉइंट को रत्ती भर एक इंच हिला नहीं पाओगे, चाहे पूरे दिन ताकत लगा लो। ये पॉइंट यही रहेगा, ये पॉइंट यही रहेगा, ये पॉइंट यही रहेगा। मतलब अब ध्यान से समझिए टेक्निकल डेफिनेशन, आपने फोर्स लगाया, आपने पावर ट्रांसमिट किया, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स है ना यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, इनकी रिलेटिव पोजिशन चेंज नहीं हुई, ये जहां है वहीं रह गई, इनकी रिलेटिव पोजिशन चेंज नहीं हुई। तो रिजिड बाउंड्री क्या होती है, एक ऐसी बाउंड्री जिसपे तुम चाहे कितना ताकत लगा लो, कितनी भी फोर्स लगा लो, कितनी भी पावर लगा लो, उसके मॉलिक्यूल की रिलेटिव पोजिशन विल नेवर चेंज। इसे बोलते हैं रिजिड बाउंड्री। द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द पेरिफेरी ऑफ द बाउंड्री विल नेवर चेंज, विल नेवर डिफॉर्म, विल नेवर चेंज। दिस बाउंड्री इज कॉल्ड रिजिड बाउंड्री। एग्जाम्पल्स क्या है बताइए, एग्जाम्पल कुछ भी, एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर आपके सामने बैठा है, खड़ा है, आप उसको चाहो कंप्रेस करो, दोनों ओर से दबाओ, हिला पाओगे? नहीं ना, रजनीकांत हो नहीं, रजनीकांत की बात अलग है, वो यूनिवर्स से बाहर है। अपनी बात करिए तो आप सिलेंडर को बिल्कुल भी टच से मस नहीं कर पाओगे, दबा कंप्रेस नहीं कर पाओगे, डिफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्या है, रिजिड बाउंड्री। हालांकि दुनिया में कोई भी चीज परफेक्टली रिजिड नहीं होती, तो हम परफेक्ट की बात ही नहीं कर रहे, हम एक सिंपल सी बात कर, कोई चीज आइडियल नहीं होती, आइडियल रिजिड बॉडी नहीं होती। सिलेंडर को भी आप दबा सकते हो, आप ले आओ क्रेन, ले आओ क्रेन से सिलेंडर को दबा, रोलर के बीच में डाल दो, दब जाएगा, लेकिन हम आइडियल बात कर रहे हैं। तो दुनिया में कोई भी बॉडी आइडियल रिजिड बॉडी नहीं होती, हर बॉडी में थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन होता ही होता है। आपको पता ही होगा, अगर आप जंप करते हो अर्थ पे, मैंने इस मार्कर को देखिए ऊपर फेंका, मैं जंप किया अर्थ पे, तो मैं वापस नीचे क्यों आता हूँ, क्योंकि अर्थ मुझे खींच रही है। न्यूटन क्या बोलते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ ये बोलता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मतलब जब मैं जंप उछलता हूं तो अर्थ मुझे अपनी तरफ खींचती है, इसका मतलब न्यूटन ये कहते हैं कि मैं भी अर्थ को ऊपर खींच रहा हूं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, अर्थ में जब उछलता हूं अर्थ मुझे नीचे खींचती है, लेकिन मैं भी जब उछलता हूं ना तो मैं भी अर्थ को ऊपर खींचता हूं। तो फिर पूछो कि फिर अर्थ ऊपर क्यों नहीं आती, हमें हमारी ताकत है क्या अर्थ को ऊपर खींचने की? अर्थ बड़ी है, हम छोटे एलिमेंट हैं, हमको अर्थ ने खींच लिया, हम भी अर्थ को ऊपर खींचना चाहते हैं, लेकिन हमारी ताकत ही नहीं अर्थ को ऊपर खींचने की, तो अर्थ अपनी जगह स्टिल रहती है। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि रिजिड बाउंड्री वो बाउंड्री है जिसकी पेरिफेरी में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, इनफाइनाइट पार्टिकल्स होते हैं। आप किसी पार्टिकल पर कितना भी फोर्स लगा लो, कितनी भी ताकत लगा लो, कितनी भी पावर लगा लो, उसका टच से मस, उसका बाल तक बाकी नहीं कर पाओगे, उसको बोलते हैं रिजिड बाउंड्री। क्लियर? सो अ बाउंड्री इज कॉल्ड रिजिड बाउंड्री, a boundary is called rigid boundary, definition, a boundary is called rigid boundary when the relative position of the molecules on the periphery of the boundary do not change when the pressure or external force is applied, when the pressure or external force is applied, इसको बोलते हैं rigid boundary। clear? अब हम देखते हैं next boundary, इसका नाम है flexible boundary। क्या नाम है? flexible boundary। अब देखिए, पहले फ्लेक्सिबल बाउंड्री का मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं। फ्लेक्सिबल बाउंड्री का मतलब है एक ऐसी बाउंड्री जिसमें हम अगर हल्का सा फोर्स लगाएं, हल्का सा प्रेशर लगाएं, तो वो डिफॉर्म हो जाए। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है? डिफॉर्मेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये दो अलग अलग वर्ड है, अलग अलग शब्द है। डिफॉर्मेशन हम किसमें पढ़ते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल में। वेयर एज डिस्प्लेसमेंट हम किसमें पढ़ते हैं? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स में और डिफॉर्मेशन पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो रिजिड बाउंड्री वो बाउंड्री जिसमें डिफॉर्मेशन जीरो हो या परमिसिबल लिमिट तक हो, मतलब इतना हो हमको दिखाई ना दे, ठीक है। और फ्लेक्सिबल बाउंड्री वो बाउंड्री है जिसमें जब आप फोर्स लगाओ, प्रेशर लगाओ, पावर लगाओ, तो उसमें डिफॉर्मेशन हो और हमको दिखाई भी दे,
जैसे साइकिल का टायर, अगर आप टायर में हवा, ट्यूब में सॉरी ट्यूब में हवा भरोगे तो ट्यूब क्या होगा, ट्यूब में हवा जाएगी तो ट्यूब क्या होगा, एक्सपैंड होगा। अब जब एयर को इन्फ्लेट करोगे बलून के अंदर, ट्यूब के अंदर, तो ट्यूब क्या होगा, इन्फ्लेट होगा, फूलेगा और एक्सपैंड होगा। तो उसकी बाउंड्री क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है, धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है, धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्लेक्सिबल बाउंड्री क्या होती है। फ्लेक्सिबल बाउंड्री का मतलब यह है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास बलून है, ठीक है, ध्यान से समझिए। मैं तो सिंपल सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ फ्लेक्सिबल बाउंड्री का। जैसे मान लीजिए ये आपके पास बलून है, यहाँ तुम खड़े हो धागे को पकड़ के आराम से मस्त एंजॉय कर रहे हो, बलून में हवा भर के, बलून में हवा थोड़ी सी भरी है, थोड़ी सी हवा भरी है और बलून इतना इन्फ्लेट हुआ है, इतना फूला हुआ। अब आपने क्या किया, अब आपने बलून में हवा भरना और शुरू किया। अब ध्यान से समझिए, जब आप बलून, अभी आप पकड़ के बलून को खड़े हो, तो ये है बलून की बाउंड्री, ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ये क्या है, बलून की बाउंड्री। अब आपने क्या किया, मुंह से हवा भरना शुरू किया बलून के अंदर। जैसे जैसे बलून के अंदर आप हवा भरना शुरू करोगे, ये बलून क्या होगा, एक्सपेंड होगा, इन्फ्लेट होगा। आपने और हवा भरी तो बलून और इन्फ्लेट होगा, जितना आप हवा भरता, जितना आप हवा भरते जाओगे उतना बलून इन्फ्लेट होता जाएगा, एक्सपेंड होता जाएगा। इससे समझ क्या आ रहा है, इससे समझ ये आ रहा है कि ये जो बलून की बाउंड्री थी ना, पहले मान लीजिए बी वन थी, अब ये बी टू हो गई, अब ये क्या हो गई, बी थ्री। तो बलून की बाउंड्री शिफ्ट हो रही है, बलून की बाउंड्री शिफ्ट हो रही है, हम इसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल बाउंड्री। अगर अच्छा, अगर ऐसा ही एलपीजी सिलेंडर में होता, अगर हम एलपीजी सिलेंडर में गैस भरते और पता लगा सिलेंडर ही एक्सपेंड हो गया, तो फिर क्या होता, फिर तो वो ही फ्लेक्सिबल हो जाता, लेकिन क्या ऐसा होता है, नहीं होता। आप एलपीजी सिलेंडर में एक लिमिट तक, एक लिमिट के प्रेशर पे गैस भर दो तो सिलेंडर कभी एक्सपैंड नहीं होगा। हाँ, ज्यादा भरो तो एक्सप्लोड हो सकता है, बट एक्सपैंड नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो रिजिड बाउंड्री है। ये क्या है, फ्लेक्सिबल बाउंड्री। अब ध्यान से सुनिए दोनों चीज की डेफिनेशन। रिजिड बाउंड्री वो बाउंड्री है जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता, जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता या परमिसिबल लिमिट तक होता है, लगभग जीरो होता है। फ्लेक्सिबल बाउंड्री वो होती है जिनमें डिफॉर्मेशन होता है। जब आप फोर्स लगाओगे, जब आप प्रेशर लगाओगे, तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है, उसे हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल बाउंड्री, और जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता उसको हम बोलते हैं रिजिड बाउंड्री। क्लियर? तो अगर आप चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ रिजिड बाउंड्री इज अ बाउंड्री, अ रिजिड बाउंड्री इज अ बाउंड्री विच डू नॉट शिफ्ट और विच डू नॉट डिफॉर्म बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और प्रेशर, वेयर एज अ फ्लेक्सिबल बाउंड्री इज अ बाउंड्री विच डिफॉर्म्स when we apply force or pressure. Clear? हम इसको बोलते हैं rigid boundary और इसको बोलते हैं flexible boundary. Clear? चलिए, अब हमारा देखते हैं next boundary के और type, real boundary और imaginary boundary. देखिए boundary हमारी अलग अलग type होती है, boundary rigid हमने देख लिया, हमने देख लिया flexible boundary. अब हमको क्या देखना है, हमको देखना है अब real boundary क्या होती है और imaginary boundaries क्या होती है. क्लियर? तो हम देखेंगे रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री, इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए, देख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए प्यार से। तो हम देखेंगे आगे रिजिड बाउंड्री और फ्लेक्सिबल बाउंड्री हमने देख लिया, अब हम देखेंगे रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री। वीडियो को पॉज करिए, अगर कोई चीज में डाउट हो तो कॉमेंट करिए नीचे, हम आपको एज सून एज पॉसिबल आंसर करेंगे। सो डोंट वरी, जो भी आपके दिमाग में डाउट हो प्लीज कॉमेंट, हम आपको एज सून एज पॉसिबल आंसर। चलिए, सो बाउंड्री का नेक्स्ट जो टाइप है वो क्या है, रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री। सिंपल सी चीज है, बहुत आसान है, कुछ इसमें कुछ खास नहीं है। रियल मतलब हर वो चीज जो दिखती है। देखिए बाउंड्री का तीसरा टाइप है रियल बाउंड्री, रियल बाउंड्री, रियल बाउंड्री, और क्या है इमेजिनरी, इमेजिनरी, रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री। अब रियल बाउंड्री का मतलब हर वो चीज जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं रियल बाउंड्री। जैसे फॉर एग्जांपल चाय का कप है, मान लीजिए ये चाय का कप है, ठीक है, ये चाय का कप है, इसमें चाय भरी हुई है,
अभी कप को आप छू तो सकते हो, कप को आप छू सकते हो, कप को आप महसूस कर सकते हो, कप को आप टच कर सकते हो। तो कप क्या है? रियल बाउंड्री। हर वो चीज जो रियल है, जो वास्तविक है, जो दिखाई दे रही है, वो रियल है, रियल बाउंड्री है। और जो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन है, उसे क्या बोलते हैं? इमेजिनरी बाउंड्री। तो पहले आप रियल समझिए। रियल बाउंड्री का मतलब जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम समझ सकते हैं, वो बाउंड्री है रियल बाउंड्री, जो हमको दिखाई दे रही है। आसान भाषा में जो वास्तविक है, जो हमको दिखाई दे रही है, वो रियल बाउंड्री। जैसे सिलेंडर हमको दिखाई दे रहा है, पिस्टन दिखाई दे रहा है, क्रैंक दिखाई दे रहा है, ये सारी क्या है? एक रिजिड है, रियल है। ठीक है, तो रिजिड को आप, जैसे कोई अगर रियल बाउंड्री है उसको रिजिड भी बोल सकते हो, या रिजिड को भी आप रियल बोल सकते हो, बशर्ते वो कंडीशन फॉलो हो कि डिफॉर्मेशन एक परमिसिबल लिमिट तक ही हो। क्लियर? तो इसे हम बोलेंगे रिजिड बाउंड्री, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप महसूस कर सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो। तो आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट रियल बाउंड्री। देखिए, आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि यार रिजिड बाउंड्री को तुम देख सकते हैं। हाँ, देख सकते हो, तो क्या वो भी रियल होंगी? हाँ, होंगी। हर वो चीज जो रियल दिखाई दे रही है वो रियल है। हो सकता है रिजिड बाउंड्री भी रियल बाउंड्री हो, है ना? रिजिड बाउंड्री भी रियल बाउंड्री है क्योंकि दिखाई दे रही है। फ्लेक्सिबल बाउंड्री भी रियल बाउंड्री है क्योंकि दिखाई दे रही है। क्लियर? तो रियल बाउंड्री वो बाउंड्री है जो हमको दिखाई देती है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। अब बात आती है कि इमेजिनरी क्या बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री कौन सी बाउंड्री? तो इमेजिनरी बाउंड्री वो है जो आपके ख्वाबों में, जिसको आप महसूस कर पा रहे हो, देख नहीं पा रहे, छू नहीं पा रहे, सिर्फ महसूस कर पा रहे हो, समझ रहे हैं? उसको बोलते हैं इमेजिनरी बाउंड्री। बता सकते हैं एग्जांपल क्या है? बहुत आसान प्यारे प्यारे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये मान लीजिए एक कॉफी का मग है, ये मान लीजिए कॉफी का मग है, इसमें कॉफी भरी हुई। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ये वाली बाउंड्री कैसी है, आप बोलोगे सर रिजिड बाउंड्री। क्यों? क्योंकि जनरली मान लीजिए अगर मैं इस पे थोड़ा बहुत फोर्स लगाऊं तो ये डिफॉर्म नहीं होगा। सो दिस इज काइंड ऑफ रिजिड बाउंड्री। अब ये मत बोला कि मैं पटक के तोड़ दूंगा, ऐसे नहीं करना। दिस इज काइंड ऑफ रिजिड बाउंड्री। अब देखिए, आपने इसमें क्या किया, ऊपर से और कॉफी डाली, ऊपर से और कॉफी डाली। ध्यान से समझिएगा इस बात को, आपने ऊपर से और कॉफी डाली। ये कॉफी क्या हुई, यहां से जब आपने डाली तो ये कॉफी पहले यहां तक आई और फिर यहां से नीचे गई, यहां से नीचे गई। अब देखिए, ये अगर इस सेक्शन को मान लूं वन वन, इस सेक्शन को मान लूं वन वन, ये ग्लास है, ग्लास में आप पानी डाल रहा हूं, ये ऊपर की बात कर रहा हूं टॉप की। इस सेक्शन को जहां से पानी एंटर करना है उसको टॉप को मैं अगर मान लूं वन वन सेक्शन। क्लियर? तो बताइए, जब आप कॉफी यहां से पोर कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, तो ये यहीं से तो अंदर आ रही है, इसी एंट्रेंस से ही तो अंदर आ रही है। मतलब हो ना हो यहां पे एक एंट्रेंस है जहां से ये अंदर आ रहा है, हो ना हो यहां पे एक एंट्रेंस है जहां से अंदर आ रहा है। बस बात ये है कि ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन महसूस हो रहा है कि यहां एक एंट्रेंस है जो अंदर, यहां से एक एंट्रेंस है जिससे होकर ये कॉफी अंदर आ रही है। तो इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी बाउंड्री, जो है तो नहीं, जो आपको मतलब दिखाई नहीं दे रही है लेकिन ये प्रेजेंट है, इमेजिनरी है, स्यूडो है, आभासी है, जो आपको दिखाई नहीं दे रही है बट स्टिल इट इज प्रेजेंट। इसको बोलते हैं क्या? इमेजिनरी बाउंड्री। और बहुत सारे एग्जांपल है, नोजल ले लीजिए, नोजल, नोजल आप सब जानते ही होंगे, नोजल के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे अभी अभी। ये नोजल है, ठीक है, मान लीजिए ये नोजल है, सिंपल सा, आप लॉन में पानी भर रहे हैं, पानी में आप पाइप में आपने पानी की स्पीड को बढ़ाने के लिए एक छोटी सी डिवाइस लगा दी जिसका नाम है नोजल। तो नोजल का मतलब क्या है? नोजल आपने ले लिया, अब नोजल में पानी यहां से आ रहा है, ध्यान से समझिए, नोजल में पानी यहां से आ रहा है और पानी यहां से नोजल को लीव कर रहा है। क्लियर है? तो अगर मैं एक सेक्शन मान लूं कि मान लेता हूं कि मान लीजिए पानी यहां से एंटर कर रहा है और मान लीजिए पानी यहां से एग्जिट कर रहा है, मान लीजिए पानी इस सेक्शन ए ए से एंटर कर रहा है और इस सेक्शन बी बी से लीव कर रहा है।
अब ये जो सेक्शन है यहाँ तो हवा है ना, यहाँ भी हवा है, आपको दिखाई दे रही है? नहीं, बट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये एंट्रेंस हो रहा है और यहां से ये एग्जिट हो रहा है, तो ये शूडो है, प्रेजेंट है बट आपको दिखाई नहीं दे रही है। इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी बाउंड्री। इमेजिनरी बाउंड्रीज आर दोज बाउंड्री विच कैन ओनली बी फेल्ट नॉट सीन, जिसको आप देख नहीं सकते, आप सिर्फ उसको महसूस कर सकते हो। तो जिस जिस चीज को आप दुनिया में महसूस कर पाते हो वो आपकी इमेजिनरी बाउंड्री है, इमेजिनेशन है ना, आप उसको महसूस कर रहे हो, देख नहीं पा रहे, वो आपकी इमेजिनेशन है, तो हम इसको बोलते हैं इमेजिनरी बाउंड्री। तो मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ, शॉर्टकट में दिखा देता हूँ, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ बाउंड्री के बारे में, समझिएगा ध्यान से। बाउंड्री हमने कितनी टाइप की देखी? चार टाइप की बाउंड्री देखी। बाउंड्री हमने देखी चार टाइप की, रिजिड या फ्लेक्सिबल, रिजिड या फ्लेक्सिबल, रियल, और क्या देखा? आभासी, मतलब इमेजिनरी, आभासी, शूडो। रिजिड का मतलब जिसमें आप कितनी भी ताकत लगा लो उसको डिफॉर्म नहीं कर पाओगे, जितनी भी ताकत आपके अंदर है सारी झोंक दो, एक इंच उसका हिला नहीं पाओगे, क्या बोलते हैं? रिजिड बाउंड्री। फ्लेक्सिबल बाउंड्री मतलब जिसमें आप फोर्स लगाओ, प्रेशर लगाओ और वो बाउंड्री एक्सपेंड होना शुरू हो, मतलब उसमें डिफॉर्मेशन हो जाए, जैसे सिंपल से ट्यूब है, टायर है, बलून है, ये सब सारी चीजें क्या है? फ्लेक्सिबल बाउंड्री। रियल बाउंड्री क्या है? रियल बाउंड्री हर वो बाउंड्री जिसको हम देख सकें, जिसको हम छू सकें, महसूस कर सकें। इमेजिनरी बाउंड्री क्या है? इमेजिनरी बाउंड्री वो है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, क्योंकि वो एक्चुअल में दिखाई नहीं दे रही है बट वहां प्रेजेंट है, हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे सिंपल सा किसी भी डिवाइस का एंट्रेंस और एग्जिट, उसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी बाउंड्री। क्लियर है? तो ये है हमारा बाउंड्री के बारे में टोटल कंसेप्ट, दीज आर द बाउंड्रीज। क्लियर है? अभी हम आगे चलेंगे, जब ना अंदर चलेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, तो आपको कुछ और बाउंड्रीज दिखाएंगे, जैसे एडियाबेटिक बाउंड्री, जैसे डायाथर्मिक बाउंड्री, ये सब भी हम आगे डिस्कशन करेंगे, बट अभी फिलहाल आपको इतनी ही जरूरत है। जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे हम चीजों को और एक्सप्लेन करते जाएंगे, अभी अननेसेसरी कोई टफ वर्ड्स मैं जानबूझ के इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको दिमाग में कंफ्यूजन ना हो। जब हम आएंगे अंदर, जब हम आएंगे फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, जब हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़ेंगे, तो हम बाउंड्री को और कैटेगराइज करेंगे, जिसका नाम होगा डायाथर्मिक बाउंड्री, जिसका नाम होगा एडियाबेटिक बाउंड्री। क्लियर है? तो आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। बाउंड्री चार टाइप होती है, रिजिड, फ्लेक्सिबल, रियल और इमेजिनरी। रिजिड का मतलब जीरो डिफॉर्मेशन या डिफॉर्मेशन विद इन परमिसिबल लिमिट, एक लिमिट तक जो कोई दिखाई ना दे। फ्लेक्सिबल बाउंड्री जिसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, रियल जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और इमेजिनरी मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो दिस इज आवर टोटल कंसेप्ट अबाउट बाउंड्री। अब आपको करना क्या है? आपको पहले इतने नोट्स बनाइए प्रॉपर, जितना आपने अभी तक रिवीजन किया है, पढ़ा है, प्रॉपर नोट्स बनाइए और थोरो रिवीजन करिए, बिल्कुल स्ट्रेटेजी बना के, जितना आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन खोजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और देखिए आप कितने क्वेश्चन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? और अगर आपने जिद आ जाए ना, अगर आपके अंदर जिद आ जाए कि मुझे ये चीज हासिल करनी है, तो अगर जिद हो जाए ना, तो दुनिया की हर चीज जद में आ जाती है, हर चीज आपकी पकड़ में आ जाती है। तो बिल्कुल प्रॉपरली प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करिए, ऑब्जेक्टिव लगाइए, सब्जेक्टिव लगाइए छोटे छोटे, और उससे आपके कंसेप्ट और क्लियर होते जाएंगे। तो ये है हमारा बाउंड्री का बेसिक कंसेप्ट। अब हम इसके बाद आगे कहां बढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि सिस्टम कितने तरीके के होते हैं। सिस्टम कितने तरीके के होते हैं, क्लियर है? चलिए तो देखेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के टाइप,
तो पहले मैं आपको लिख देता हूँ सिस्टम की टाइप, कितने टाइप के होते हैं, नाम लिख देता हूँ, फिर मैं आपको एक एक करके बहुत प्यार से एक्सप्लेन करता। पहला सिस्टम है, आप सबने नाम सुना होगा, क्लोज्ड सिस्टम। दूसरा है ओपन सिस्टम। पहले मैं सिर्फ नाम लिखता हूं, नामकरण करता हूं। फिर है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो तीन टाइप के सिस्टम है, क्लोज, ओपन और आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम एक एक करके बहुत डीप में जाके इसकी स्टडी करेंगे और प्यार से देखेंगे ये तीनों सिस्टम कितने तरीके के होते हैं। देखिए थर्मोडायनेमिक्स की नब्ज को पकड़िए, जीरो से चलिए और 100 तक जाइए, ठीक है। तो हम अब देखेंगे धीरे धीरे क्लोज क्या होता है, ओपन क्या होता है और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होते हैं। चलिए तो स्टार्ट करेंगे अब क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम बारी बारी से, क्लियर है। अभी हमने सिर्फ इतना देखा था कि टाइप्स ऑफ सिस्टम में तीन सिस्टम है, क्लोज है, ओपन है और आइसोलेटेड है। अब हम इसके बारे में देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो बस मन से पढ़ते जाइए, रिवाइज करते जाइए, क्वेश्चन लगाते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, बाकी सब चीजें आसान है। चलिए सबसे पहला चीज है हमारा क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम का मतलब क्या होता है, नाम से क्या लग रहा है, क्लोज्ड मतलब कोई सिस्टम है जो बंद है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पानी की बोतल है और पानी की बोतल अगर ऊपर से कैप लगा है, क्लोज है, तो अगर मैं बोतल को पलटूंगा, बोतल को अपसाइड डाउन करता हूं तो पानी के नीचे गिर सकता है, नहीं ना। क्लोज सिस्टम का मतलब ऐसा सिस्टम जो क्लोज है, जिसमें से मास बाहर नहीं जा सकता, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। ऐसे सिस्टम जिनमें से मास बाहर नहीं जा सकता, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। तो लोग पूछ सकते हैं कि सर एनर्जी बाहर जा सकती है कि नहीं, बिल्कुल एनर्जी बाहर जा सकती है लेकिन मास बाहर नहीं जा सकता। बेस्ट एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक ग्लास है, इस ग्लास में पानी भरा हुआ है, पानी गर्म है, मान लीजिए गर्म पानी ग्लास में भरा हुआ है। अब आपने क्या किया, ग्लास के ऊपर एक ढक्कन लगा दिया, ग्लास के ऊपर ढक्कन लगा के ग्लास को बंद कर दिया। अब आप ग्लास को अपसाइड डाउन करिए, ग्लास को पलटिए, क्या पानी बाहर जा सकता है, नहीं। तो क्या मास का ट्रांसफर होगा, नहीं होगा। कहां से कहां, यह है सिस्टम और बाहर है सराउंडिंग, क्या सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में मास का एक्सचेंज होगा, कभी नहीं होगा। जब तक ढक्कन बंद है कभी भी एक्सचेंज नहीं होगा, क्लियर है। तो अच्छा पानी ये गर्म है और ढक्कन बंद है, मास का एक्सचेंज तो नहीं होगा, बट क्या थोड़ी देर बाद पानी ठंडा होगा कि नहीं होगा, पानी ठंडा होगा ना, क्यों, क्योंकि पानी धीरे धीरे हीट को बाहर रिलीज करेगा, हीट को बाहर रिलीज करेगा। जब हीट को बाहर रिलीज करेगा तो ऑब्वियसली पानी ठंडा होगा, ठीक है, पानी ठंडा होगा ऑब्वियसली, मास ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। हमको सिर्फ एक बात की डेफिनेशन याद रखनी है कि क्लोज्ड सिस्टम ऐसे सिस्टम है जिनमें से मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। क्लोज सिस्टम ऐसे सिस्टम है जिनमें से मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। अब ये एनर्जी मतलब क्या है, ये एनर्जी हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ये एनर्जी का मतलब हीट और वर्क, हीट और वर्क इन दोनों का ट्रांसफर हो सकता है और ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम, क्लियर। एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे तो आप एग्जांपल बोल सकते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, एग्जांपल देखिए पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट, पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट। अभी जो पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है आपको पता होगा, आपको ये कंफ्यूजन होगा कि सर पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट ओपन क्लोज सिस्टम कैसे है, इसमें तो वॉल्व होते हैं, वॉल्व से फ्यूल अंदर आएगा और एग्जॉस्ट वॉल्व से बाहर जाएगा, ये कंफ्यूजन हो सकता है ऑब्वियसली। तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट विदाउट वॉल्व, ऐसा पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट मानिए, कंसीडर करिए जिसमें वॉल्व ही ना हो, अगर वॉल्व नहीं होंगे तो कोई मास बाहर नहीं जा सकता है और क्योंकि पिस्टन की कंडक्टिविटी है तो एनर्जी बाहर रिलीज हो सकती है,
इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। और एग्जांपल देखिए, जैसे एक कॉफी का मग है, एक कॉफी का मग है, इसको आप ऊपर से ढक्कन लगा के बंद कर दीजिए, दिस इज ऑल्सो अ क्लोज्ड सिस्टम। सो आई थिंक वी आर क्लियर अबाउट क्लोज्ड सिस्टम। इसमें आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आपको बोलना है कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिससे मास एक्सचेंज ना हो पाए और एनर्जी का एक्सचेंज हो जाए, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। क्लियर? चलिए, अब एक चीज सबसे जो बड़ी ध्यान देने वाली बात है, सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है, आप वो ये देखिए, क्लोज सिस्टम से क्या है, मास का फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब हमने मास को कंट्रोल करके रखा है। जब यहां पे ढक्कन बंद है तो सिस्टम ने क्या किया है, मास को अपने पास रखा है कि भैया मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मास को कंट्रोल करके रखा है। इसीलिए ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कंट्रोल मास सिस्टम, कंट्रोल मास सिस्टम। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम ने पूरे मास को ही कंट्रोल कर लिया है कि मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। ये नाम याद रखिएगा, इस नाम से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जहां भी आपको लिख के आ जाए कंट्रोल मास सिस्टम, इमीडिएटली आंसर लगाइए क्लोज्ड सिस्टम, बिकॉज द मास इज कंट्रोल्ड हियर। आप कुछ भी कर लो, जब तक ढक्कन बंद है यहां से मास बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि मास कंट्रोल्ड है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओपन सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं भैया ओपन सिस्टम। अब क्या है, अभी सिस्टम क्या था, क्लोज था, बंद था। जब बंद था तो मास का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब क्या है, अब सिस्टम ओपन हो गया, अब सिस्टम खुल गया, ढक्कन आपने कॉफी के मग का ढक्कन ऊपर से हटा दिया। अब उसको अपसाइड डाउन करिए। देखिए, ये आपने ग्लास रखा था, यहां पे गर्म पानी था, सिंपल सा ढक्कन लगा रखा था, जब तक ढक्कन था तब तक अपसाइड डाउन करिए, पानी बाहर नहीं जाएगा, क्लोज सिस्टम। अब आप ढक्कन को हटा दीजिए, अब क्या होगा, पानी बाहर गिर जाएगा, हीट भी रिलीज होगी, पानी ठंडा भी हो जाएगा, कॉफी ठंडी हो जाएगी और कॉफी बाहर भी गिर जाएगी। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग मास का भी ट्रांसफर होगा, मास भी ट्रांसफर होगा और एनर्जी भी ट्रांसफर होगी, मास भी ट्रांसफर होगा और एनर्जी भी ट्रांसफर होगी। क्लियर है? तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। अब आदमी पूछते हैं लोग कि भाई सर एग्जांपल क्या होगा, अब आप खुद बताइए ओपन सिस्टम का एग्जांपल। आपने हजारों एग्जांपल पढ़ रखे हैं, बताइए, टर्बाइन, नोजल, कंप्रेसर, पंप, बॉयलर, जितने भी ये सब एग्जांपल हैं, इवेपोरेटर, कंडेंसर, ये सारे क्या हैं, दीज ऑल आर ओपन सिस्टम। आपको पता होगा, आप रेफ्रिजरेटर यूज करते हो, रेफ्रिजरेटर अंदर क्या होता है, हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है। वो रेफ्रिजरेंट कहाँ आता है, इवेपोरेटर में, कंप्रेसर में, कंडेंसर में, थ्रॉटलिंग डिवाइस में, ये सारे क्या है, ओपन सिस्टम, क्योंकि मास का भी फ्लो हो रहा है और एनर्जी का भी फ्लो होता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप लिख लीजिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल टर्बाइन। बस ध्यान क्या रखना है, पंप, बस ध्यान आपको यह रखना है कि क्लोज सिस्टम में मास का ट्रांसफर नहीं होगा और ओपन सिस्टम में मास का भी ट्रांसफर होगा और एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा। एग्जांपल देख लीजिए, टर्बाइन है, पंप है, बॉयलर है, नोजल है, हीट एक्सचेंजर है, इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर है, कंप्रेसर है, कंप्रेसर है, ये सब क्या है, बहुत सारे डिवाइसेस हैं, ये सब क्या है, ओपन सिस्टम। अब एक बात ध्यान से समझिए, ये मान लीजिए हमारा बॉयलर है, ये मान लीजिए हमारा बॉयलर है जो पावर प्लांट में यूज होता है, पानी से हम क्या करते हैं, स्टीम बनाते हैं, और उस स्टीम से हम क्या करते हैं, अपना प्लांट में यूज करके हम टर्बाइन की ब्लेड को घुमाते हैं। अब मान लीजिए हमारा बॉयलर है, इस बॉयलर में मान लीजिए यहां से पानी आ रहा है, इस बॉयलर में मान लीजिए यहां से पानी आ रहा है, तो इस बॉयलर में पूरा यहां तक पानी भरा हुआ है। अब हमने क्या किया, इस बॉयलर में पानी से हमको स्टीम बनानी है, तो हमने नीचे से कोयला वेला कुछ जला दिया, कुछ फ्यूल दे दिया, कोल दे दिया, यहां नीचे से जला दिया, हीट सोर्स दे दिया। अब ये यहां से हीट मिल रही है इसको, और ये पानी जो हो रहा है वेपराइज होके, भाप बन के, स्टीम बन के बाहर निकल रहा है, जिसका हम यूज करें टर्बाइन की ब्लेड को घुमाने के लिए। अब एक बात बताइए, यहां पे
जब हम हीट दे रहे हैं तो हीट बाहर से अंदर पहुंच रही है, क्लियर। अगर हीट बाहर से अंदर पहुंच रही है, बाहर मतलब सराउंडिंग, अंदर मतलब सिस्टम, तो सराउंडिंग से सिस्टम अगर हीट पहुंच रही है, इसका मतलब एनर्जी का एक्सचेंज तो हो रहा है, एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है। और पानी, जो पानी यहां पानी था, वो पानी भी स्टीम बन के बाहर निकल रहा है, इसका मतलब मास भी बाहर जा रहा है। पानी में कुछ मास है, द्रव्यमान है, इसका मतलब वो पानी भी यहां से बाहर जा रहा है, तो मास भी निकल रहा है और एनर्जी भी निकल रही है। तो क्या है ये? ओपन सिस्टम। इसीलिए हम बोलते हैं बॉयलर क्या है? ओपन सिस्टम। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये बॉयलर से स्टीम बन के, जब पानी स्टीम बन के बाहर जाएगा बॉयलर से, तो क्या हम ये चाहते हैं कि पानी बॉयलर में कम हो जाए? हम ये चीज नहीं चाहते ना कि बॉयलर में पानी कम हो जाए। इसलिए हम क्या करेंगे, पानी का वॉल्यूम हमेशा हमको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्लियर है। पानी का वॉल्यूम हमको हमेशा कांस्टेंट रखना पड़ेगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पानी का वॉल्यूम कम हो, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। तो हम ओपन सिस्टम को बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, कंट्रोल वॉल्यूम। नाम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। क्लोज सिस्टम को कंट्रोल मास और ओपन सिस्टम को कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, क्लियर है। तो चलिए, कंट्रोल वॉल्यूम हो गया हमारा, कंट्रोल मास हो गया, ओपन सिस्टम हो गया और क्लोज सिस्टम हो गया, क्लियर है। हमने एग्जांपल भी देख लिया इसका भी और उसका भी। अब हमारा नेक्स्ट सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम। वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना लीजिए, नोट कर लीजिए प्रॉपर, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डालिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम पे, ठीक है। अब हम अगला सिस्टम कौन सा देखेंगे भैया? आइसोलेटेड सिस्टम। अब आपको मैं बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो एफिशिएंट सिस्टम है वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम। अगर आप आइसोलेट हैं, ना किसी से आपका कुछ लेना है, ना किसी से आपको कुछ देना है। इस समय गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि कोरोना से बचना है तो आइसोलेट रहिए, आइसोलेट रहेंगे तो आपकी एफिशिएंसी गारंटी अच्छी रहेगी, आप सेफ रहेंगे। अब वो देखिए क्यों होता है। अब हम बात करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम्स की। आइसोलेटेड मतलब जिनको समाज से, जात बिरादरी से लात मार के भगा दिया गया है, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम्स। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कंटेनर है, ध्यान से समझिए, ये हमारा एक कॉफी का मग है, मान लीजिए इसमें कॉफी रखा है, चाय रखा है, पानी रखा है, जो भी मान लीजिए, एक कंटेनर है, इसमें गर्म चाय रखी है, गर्म पानी रखा हुआ है, क्लियर। अब मान लीजिए इस कंटेनर में यहां पे एक लीड लगी है, ढक्कन लगा हुआ है, यहां पे आपने इस ढक्कन को जैसे ही बाहर निकाला, तुम यहां पे आए, आपने ढक्कन को पकड़ा और बाहर खींच लिया और इसको अपसाइड डाउन कर दिया, कंटेनर को पलट दिया, तो पानी क्या होगा? ढक्कन से बाहर निकल आएगा। और अगर आपने ढक्कन बंद भी किया है, पानी अंदर है और पानी गर्म है, तो पानी क्या करेगा? कंटेनर की वॉल के थ्रू हीट को बाहर एक्सचेंज करेगा, बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन, कंटेनर की वॉल के थ्रू हीट को बाहर एक्सचेंज करेगा, तो एनर्जी भी एक्सचेंज होगी और यहां से मास भी एक्सचेंज होगा, अगर ढक्कन खुला हुआ है तो। तो क्या होगा, ये काइंड ऑफ ओपन सिस्टम है, ढक्कन भी खुला है, मास भी एक्सचेंज हो जाएगा और एनर्जी भी एक्सचेंज होगी, सो दिस इज एन ओपन सिस्टम। लेकिन हमको बात क्या करना है, आइसोलेटेड सिस्टम्स की। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आपको आइसोलेट बनाना है। अब ध्यान रखिए, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ना तो एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना तो मास का एक्सचेंज होगा और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ना मास एक्सचेंज हो और ना एनर्जी का एक्सचेंज होगा। और ये हम कैसे कर सकते हैं, सोचिए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो कैप लगा है ना, इसको बिल्कुल सील्ड कर दीजिए, बिल्कुल एयर टाइट सील्ड कर दीजिए। हमने क्या किया, वेल्डिंग मशीन लाई, कैप को अंदर वेल्ड कर दिया, या कैप को बिल्कुल टाइटली हेल्ड कर दिया, ताकि कुछ भी हो जाए पानी बाहर ना निकल पाए। अब यहां से मास तो बाहर निकल नहीं सकता, क्लियर। अब बची एनर्जी, मतलब हीट यहां से बाहर निकल सकती है। इसके लिए क्या जुगाड़ किया जाए, इसके लिए हमने क्या किया, कंटेनर को यहां पे इंसुलेट कर दिया, कोई ऐसा मटेरियल लगाया जिससे हमारा इंसुलेशन बढ़ जाए और हीट ट्रांसफर होना बिल्कुल रुक जाए। अब अगर यहां से एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं होगी, एनर्जी का भी ट्रांसफर अगर नहीं हो रहा है और यहां से मास का भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। बताइए एग्जांपल, सबसे बेहतरीन इसका एग्जांपल है
ध्यान से समझिएगा। सबसे बेहतरीन इसका एग्जांपल है अ कप ऑफ कॉफी, अ कप ऑफ कॉफी केप्ट केप्ट इन अ वेल इंसुलेटेड, अ कप ऑफ कॉफी केप्ट इन अ वेल इंसुलेटेड एंड परफेक्टली परफेक्टली सील्ड, परफेक्टली सील्ड कंटेनर। एक कोई ऐसा कंटेनर जो परफेक्टली सील्ड है और जो बिल्कुल परफेक्टली इंसुलेट है, अगर ऐसे कंटेनर में कोई चीज रखी हुई है हम इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखिए यहां पे सिस्टम है और यहां पे इसका समाज है, इसकी सराउंडिंग है, लोग बाहर टहल रहे हैं, एनवायरमेंट है, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, ना तो मास का एक्सचेंज करना है ना तो एनर्जी का एक्सचेंज करना है, हम इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब जब इसको ना एनर्जी का एक्सचेंज करना है, ना किसी को मास देना है, ना किसी को एनर्जी देनी है, तो इसकी एनर्जी कहाँ रहेगी? इसके अंदर ही रहेगी। ऑब्वियसली इसकी एनर्जी कभी डिक्रीज होनी ही नहीं है, जब किसी को एनर्जी देना ही नहीं है। आपके पास पैसा है, आप पैसा लेके घर में बैठ जाओ, घर को चारों तरफ से पैक कर दो, आपको बाहर वालों से कोई मतलब ही नहीं है। आपके पास 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आपके घर में ही रहेंगे ना, कहाँ जाएंगे? तो आपकी एनर्जी जो आपके पास है वो बची रहेगी, तो आपकी एफिशिएंसी अच्छी रहेगी, आपकी एनर्जी कभी डिक्रीज हो ही नहीं सकती। जब आप किसी से किसी को ना दे रहे हो, ना किसी से ले रहे हो, तो कहाँ से घटेगी भैया? ना घटेगी ना बढ़ेगी, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है कभी डिक्रीज नहीं होगी। तो ऐसे सिस्टम की एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है और ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसका जो सबसे बड़ा जो एग्जांपल जो एग्जाम में आता है वो एग्जांपल क्या है आपको समझाता हूं। आइसोलेटेड सिस्टम का सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल, अब ध्यान से समझिए, आइसोलेटेड सिस्टम का सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है यूनिवर्स, ब्रह्मांड। यूनिवर्स, यूनिवर्स क्यों है ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए ये आपका पूरा यूनिवर्स है, ये पूरा आपका ब्रह्मांड है, पूरी गैलेक्सी, मिल्की वे, चंद्रमा, सूर्य, तारे सब इसमें बैठे हैं, ये पूरा आपका ब्रह्मांड है और आप यहां खड़े हैं। अब आप क्या हो गए? सिस्टम। और आपके आपको छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या हो गई? सराउंडिंग। अब क्या होगा? आप जितना भी हीट रिलीज करोगे, आप सिक्का फेंकोगे तो भी, आप रेस्पिरेशन करोगे तो भी, आपके बॉडी से हीट निकलेगी वो भी, कुछ भी आप कर लो, आप मान लो खड़े होकर सिगरेट पी रहे हो, धुआं निकल रहा है, धुआं भी कहां जाएगा? सराउंडिंग में। तो जहां भी जो कुछ भी निकलेगा, मास निकलेगा, एनर्जी निकलेगी, जो कुछ भी निकलेगी सब कहां जाएगी? सराउंडिंग में, है ना? तो सराउंडिंग और ये मिला के क्या बन गया? हमारा यूनिवर्स। इससे जब बाहर कुछ है ही नहीं, इससे बाहर तो कुछ है ही नहीं ना, जब इससे कुछ बाहर है ही नहीं तो इससे बाहर कुछ जाने का प्रश्न ही नहीं है, ना इससे बाहर मास जाएगा और ना इससे बाहर एनर्जी जाएगी। तो जो भी आप करोगे, जो भी आप रिलीज करोगे, धुआं, फैक्ट्री का धुआं निकलेगा, जो भी निकलेगा, पानी निकलेगा, वो सब कहां निकलेगा? यूनिवर्स के अंदर ही, यूनिवर्स के बाहर तो कुछ है ही नहीं। तो यूनिवर्स की कोई सराउंडिंग है ही नहीं, यूनिवर्स अपने आप में खुद एक सिस्टम है। अगर आप पूरे यूनिवर्स को सिस्टम मान लो, अगर आप पूरे यूनिवर्स को सिस्टम मान लो, तो यूनिवर्स से जो भी निकलेगा वो कहां जाएगा? जहां तक देख रहे हो दुनिया में सब तो यूनिवर्स ही है, आकाश में जहां तक देख रहे हो आकाश में सब यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स के बाहर कुछ है ही नहीं। जब यूनिवर्स के बाहर कुछ है ही नहीं, इसका मतलब यूनिवर्स की कोई सराउंडिंग है ही नहीं। जहां तक आप देख रहे हो सब यूनिवर्स है, यूनिवर्स की कोई सराउंडिंग नहीं है। और जब सराउंडिंग ही नहीं है तो सराउंडिंग में एनर्जी का मास का एक्सचेंज कहां से होगा? तो मास का एक्सचेंज या एनर्जी का एक्सचेंज सराउंडिंग में होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स की कोई सराउंडिंग है ही नहीं। जहां तक आप देख पा रहे हो सब क्या है? यूनिवर्स। इसलिए यूनिवर्स इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम्स। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि यूनिवर्स किसका एग्जाम्पल है। इट इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम्स। अभी भी अगर आपको डाउट है तो मैं आपको फिर से समझाता हूं यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स को अगर आप पूरा सिस्टम मान लेते हो तो यूनिवर्स में सिस्टम और सराउंडिंग दोनों आ जाती है। अब आप सोचोगे नहीं नहीं, यूनिवर्स से बाहर भी हो सकता है, अगर मैं फैक्ट्री से धुआं निकले तो यूनिवर्स से बाहर जा सकता है। तो भैया यूनिवर्स से बाहर कहां जाएगा? जहां तक तुम्हारी नजर जा रही सब तो यूनिवर्स ही है। बाहर जहां जाएगा वो भी यूनिवर्स है, जहां से निकलेगा वो भी यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स की कोई सराउंडिंग है ही नहीं। जब यूनिवर्स की कोई सराउंडिंग नहीं है तो यूनिवर्स से बाहर मास का और एनर्जी का जाने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता। इसलिए यूनिवर्स क्या है? एक आइसोलेटेड सिस्टम। इतना क्लियर? तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? जिसमें से ना एनर्जी का फ्लो हो ना मास का फ्लो हो। क्लोज सिस्टम क्या है? जिनमें से मास का फ्लो ना हो बट एनर्जी का फ्लो हो।
ओपन सिस्टम क्या है, जिनमें से मास भी फ्लो हो सके और एनर्जी भी फ्लो हो सके, इसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। तो ये है हमारे तीनों टाइप के सिस्टम और इसके एग्जाम्पल्स। क्लियर? वीडियो को पॉज करिए, नोट्स बनाइए, प्रॉपर रिवाइज करिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपके सारी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। प्रॉपरली स्टडी कीजिए और चीजों को ढंग से रिवाइज कीजिए। मैं आपसे फिर से बोलता हूं, जितनी चीजें आप पढ़ते हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, और मैं आपको क्वेश्चन के सेट सॉल्व कराऊंगा एसएससी के, एई के, गेट तक के लेवल के। मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के सॉल्व कराऊंगा, और आप देखना आप खुद ही आंसर करोगे विद इन सेकेंड्स। क्वेश्चन आप पढ़ के आंसर करोगे अगर आपने लेक्चर को प्रॉपरली देखा है, समझा है और उस पर आपने मेहनत करी है और रिवाइज करा है तो ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे The माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मतलब हमारे पास थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करने के दो अप्रोचेज हैं, एक माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और एक मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये स्टार्ट करेंगे द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच थर्मोडायनामिक्स को पढ़ने का। क्लियर? थर्मोडायनामिक्स को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, बेसिक्स हमारे सारे क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे, सिस्टम सराउंडिंग हमने ये सब देख लिया, और आप सबको हमने ये सारे बहुत सारे एग्जांपल आपको बता दिए, आइसोलेटेड के, ओपन के, क्लोज के। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक। बने रहिए होमवर्क के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।